जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस एसडीएम अवैध रूप से अगर आपका घर तोड़ती है, कब्जा हटवाती है जबरदस्ती, तो क्या कार्रवाई होगी। और ये वीडियो देख लीजिए, जज साहब ने क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से, जनता दरबार, अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। तो इस वीडियो में आपके कई जो सवाल हैं वो क्लियर होंगे, कई सवालों का उत्तर दूंगा। जैसे मान लीजिए जमीन पर अवैध प्रतिकूल कब्जा है आपका, तो क्या पुलिस एसडीएम उसे हटवा सकते हैं कब्जा? यदि मान लीजिए घर मकान बनाए तो क्या तोड़वा सकते हैं? दूसरा, कब्जा हटवाने पर एक्चुअली कानून क्या है, नियम क्या है, और कितने वर्ष तक कब्जा हटवाया जा सकता है? और यदि आप कोई सलाह लेना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित तो ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जमीन पर जैसे मान लीजिए अवैध कब्जा है आपका किसी सरकारी जमीन पर, तो क्या पुलिस एसडीएम कब्जा हटवा सकते हैं? यहाँ पे मैंने सरकारी जमीन की बात की है। देखिए, अगर सरकारी जमीन है तो उसके रक्षक कौन है? एसडीएम, तो यानी कि वो एसडीएम जमीन है, एसडीएम माने सरकार की जमीन, तो एसडीएम पुलिस की सहायता से कब्जा हटवा सकते हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका है, यदि मान लीजिए वो ग्राम सभा की जमीन है, तालाब की जमीन है, या बंजर जमीन है, आबादी की जमीन है, तो वहाँ पे एसडीएम जो है वो धारा 67 की कार्रवाई करेंगे, 67 की कार्रवाई करेंगे, नोटिस भिजवाएंगे, उसके बाद जो है आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद जब आप नहीं आते हैं तब जो भी ऑर्डर देंगे उसके बाद ये कब्जा हटवा सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट जाके दबंगई दिखाने लगे तो ये इलीगल है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए यदि मान लीजिए आप किसी की ज़मीन पर कब्जा किए हुए, खेती की ज़मीन पर, ठीक है, तो भी एसडीएम हटवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। उसका प्रोसेस है कि आप धारा 24 में आइए, मेड़बंदी सीमांकन करवाइए, या बेदखली के लिए केस कीजिए, तो बाकायदा केस चलेगा, एसडीएम ऑर्डर देंगे, उसके बाद हटवाया जाएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट गए और घूस खाई, रिश्वत ली आपने और डायरेक्ट उस पर दावा बोल दिया, आपने कब्जा हटवा दिया, तो ये बिल्कुल इलीगल है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसा कि आपने वीडियो देखा है कि जज साहब ने भी ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की कि घूस लेकर आप कब्जा हटवा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं एक चीज और बता दूं कि पुलिस को कब्जा हटवाने का अधिकार है, तो देखिए पुलिस को कोई भी कब्जा हटवाने का अधिकार नहीं, क्योंकि पुलिस सिविल मैटर में जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई दबंग जबरन कब्जा कर रहा है, जबरन भगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अगर मान लीजिए कोई 10 साल से कब्जा किए हुए है उस पर, ठीक है, तो पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो एसडीएम उस पर जो भी मान लीजिए केस है निर्धारित, जो भी कानूनी पूरा एक प्रोसेस है उसके प्रोसेस के थ्रू आइए, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी ने मकान बना लिया है किसी की ज़मीन पे, मान लीजिए 10 साल से रह रहा है, तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि उसका मकान गिराए या उसे खाली करवाए, क्योंकि पुलिस ऐसे सिविल मैटर में दखल नहीं दे सकती है। यदि मान लीजिए उसे कब्जा हटवाना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर भी बात करूँगा मैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि कब्जा हटवाने पर एक्चुअली कानून क्या है, तो देखिए कब्जा हटवाने पर अलग अलग कानून है। कृषि का अगर कोई कब्जा किए कृषि भूमि पर, तो वो राजस्वता के अधीन जो भी सेक्शन है, जैसे मान लीजिए मेड़बंदी है या बेदखली के लिए बाद है या बंटवारा है, ऐसे कब्जा हटवा सकता है और अपनी ज़मीन वापस प्राप्त करे। यदि कोई मकान या प्लॉट है तो विनिर्दिष्ट अंतु अधिनियम की धारा 6 और 5 के थ्रू जो है वो कब्जा हटवा सकता है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस है, पुलिस दबंगई नहीं दिखाएगी आके वहाँ पर। अब यदि आप इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, कब्जा कितने वर्ष तक हटवाया जा सकता है, तो देखिए इस पे जो है सरकारी ज़मीन की कोई लिमिट नहीं, सरकार जब चाहे कब्जा हटवा सकती, चाहे आपको 50 साल हो गए, तो चाहे कितना भी टाइम हो चुका हो। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति की, तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसके लिए लिमिटेशन एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि भाई अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा किए है या कोई मालिकाना हक बता रहा है, तो आप उसके लिए 12 साल के अंतराल में आप अपना टाइटल सूट ला सकते हैं, कब्जा खाली करवा सकते हैं और मालिकाना हक के लिए दावा कर सकते हैं 12-13 साल तक, ठीक है। उसके बाद जो है लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद आपका पक्ष कमज़ोर हो जाता है। और यदि मान लीजिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है।